शिरीन, हुमैरा और अयान को देख कर ना मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्या? देखो, कल निखत की सगाई है, मौका भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम अयान और हुमैरा की सगाई का भी ऐलान कल ही कर दें सारी दुनिया के सामने। ओहो, तो कल पूरी दुनिया आ रही है। अरे ऐसा कहते हैं तो कहिए। देखो, तुम तो मुझे बस एक बात बताओ, अगर हम कल अयान और हुमैरा की सगाई का ऐलान कर दें तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? हमें क्या एतराज हो सकता है भाभी, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। बाजी, इतना ब्लश ब्लश करती हुई कहाँ जा रही है? माजरा क्या है? निखत बाजी, कल आपकी सगाई है और इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं। हाँ, पर कल मेरी सगाई है ना, तो मुझे शर्माना चाहिए। हाँ। तुम क्यों शर्मा रही हो? हाय अल्लाह, चेहरा कितना लाल पड़ गया है। क्या बातें हो मेरा बेगम, बात क्या है? हमें भी तो बताओ। हाँ। कुछ नहीं बाजी, हुमैरा अल्लाह मिया, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फोन, नॉट रीचेबल क्यों जा रहा है? क्या पता मिस्टर असद अहमद बॉन्ड क्या कर रहे हैं, कैसे? उनके ऑफिस में फोन करती हूँ। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर खान से हो सकती है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उस सिलसिले में मुझे बात करनी है उनसे। जी, मिस्टर खान तो ऑफिस में है नहीं। ऑफिस में नहीं है? क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ होंगे? जी सॉरी मैम, ये बताना मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। अगर कोई मैसेज हो तो। अल्लाह मियां, घर से मिस्टर सिक्स पैक्स ने कहा कि वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में वो है नहीं, ऑफिस वालों को पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। हो ना हो, मिस्टर खान एक सीक्रेट एजेंट है, अल्लाह जाने इस वक्त कौन से मिशन पर होंगे। तुम ठीक हो? जी भाई का फराज साहब कितना खुश है, निखत की कल सगाई है और मेरा बड़ा भाई मुझे इस गली के बाहर छोड़ के जा रहा है। मैंने इन बातों को भूल जाऊ, अंदर जाओ, सब राह देख रहे होंगे। भाई आज बहुत अच्छा लगा, जब आप ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह की कसम बहुत दिल करता है भाईजान कि मैं इन पूरी दुनिया को बताऊं कि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन हर बार खुद को रोकता हूं और खामोश रहना पड़ता है। चलो अंदर जाओ, सब परेशान हो रहे होंगे। तुम ठीक तो होना है? हाँ भाईजान, ये उस गंजे ने बहुत मारा आज। उससे होशियार रहना है, आज का हादसा बहुत अजीब सा। वो पुलिस ऑफिसर पता नहीं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, क्यों हमारे रिश्ते के बारे में जानना चाहता, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी भाई,
बात तो वाकई में काफी अजीब है। मैं जब हसीना बी के घर से निकला तो वो मेरे रास्ते में इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो उसे मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। भाईजान मुझे तो लगता है वाकई में वो मुझ पे नजर रख रहा है। खैर चलता हूँ भाईजान, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता करना पड़ेगा ये सारा मामला है क्या। अगर मैं आपकी ऐसी एक फोटो ले लूं और फिर जब जीजू आए उनको दिखा दूं तो निखत पाजी नूजा चुपचाप लेट जाओ। अरे निखत पाजी उठ के देखिए ना, मेरा पाजी स्माइल कर रही है। मेरा पाजी अब क्या सोचकर इतना स्माइल कर रही है, चल क्या रहा है? हम सुबह से देख रहे कि आप बड़ा मुस्कुरा रही है। अरे हमें भी तो बताइए क्या बात है। बताओ ना क्या बात है। मेरा बाजी बताइए ना। बोलो। एक मिनट बोलो। क्या आप दोनों एक राज सिर्फ अपने तक रख सकती हैं? हाँ रख सकते हैं। ओके बोलो ना। बताती हूँ क्या बात है। मैं भी रख सकती हूँ। इंस्पेक्टर फिरोज अंसारी, ये कौन है, कहां से आया, क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। इस सिचुएशन को थोड़ा केयरफुली हैंडल करना, आफ्टर ऑल मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा। जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझ तक जल्द से जल्द पहुंचाओ। देखिए ये सही नहीं है, किसी के भी चिट में कुछ नहीं आया है। और बस मेरी चिट में ये टास्क दे दिया। अब ये तो आपकी किस्मत है जी चाची। जीजू प्लीज स्पॉइल स्पोर्ट मत बनिए और जो चिट में लिखा है वो कीजिए। हाँ हाँ कर यार कर। अरे यार
पर ये चीटिंग है ना, ऐसे नहीं होता है, हमसे नहीं होगा ये। बाजी आप कहिए ना प्लीज। हाँ बाजी आप कहिए ना, शायद वो आपकी बात मान जाए। हाँ भाभी जान आप कहेंगी तो हमारे भाई जान मान जाएंगे। बाजी बोलिए ना, बाजी बोलिए ना जी, मान जाइए ना। ओके, क्योंकि हम सब यंगस्टर्स यहाँ पर है, मैं कर लूंगा। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना। नैनों की चाल है मखमली हाल है, नीची पलकों से बदले समान, नैना शर्माए जो या के भर आए जो, थम के रुक जाए दोनों जहां। रब की नेमत है तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे। यहाँ तो निकट के ससुराल वाले आए, मुझे यहाँ से नहीं पीछे के रास्ते से जाना होगा। बोलो। देखो इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे नजमा वेट लूज नहीं कर रही क्योंकि वो डाइट चीट करती है, और जैसे जैसे मेरी पोइट्री पब्लिश नहीं हो पाती क्योंकि लोगों की थिंकिंग इतनी डीप है ही नहीं। वैसे ही ये अपने जो मिस्टर खान है, इन के भी ऐसे होने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ऐसा मतलब जैसे वो है कैसे चुप चुप से रहते हैं, खामोश से, और दिल की बात दिल में रखना सीक्रेटिव से, खोए खोए से, नो ऐसे क्यों है वो? वो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ खामोश, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचपन से लेकर अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो मुझे बताइए ना वो बातें भूपी। मिस्टर खान के कैरेक्टर को समझने के लिए उनके बचपन को जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कमॉन भूपी बताइए मुझे। अब क्या बताऊं उसके बारे में? ओके टू बिगिन विद वो बहुत ही गोलू मोलू था, गोबलू गोबलू। भूपी भूपी ये नहीं पूछ रही हूं मैं ये जानना चाहती हूं कि उनकी मेंटेलिटी कैसी थी शुरू से, जैसे कि बचपन में वो कैसी गेम्स खेलते थे। मैं बताती हूँ, उनको सुपर हीरो बनने का बहुत शौक था। बचपन में पता है हम गार्डन में टॉवेल पहनकर बैटमैन और रॉबिन जैसे घूमते रहते थे। करेक्ट। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे सुपर हीरो की स्टोरीज पसंद नहीं आती थी, स्पाई स्टोरीज का फैन हो गया। मुझे कहता था अम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ना जासूस बनूंगा। जासूस? वाह इंटरेस्टिंग। और बताइए ना। सारे घर में घूमता रहता था एक छोटी सी टॉय गन लेके, कभी यहां निशाना कभी वहां निशाना।
ऑब्वियसली उनकी फेवरेट हॉस्टेज मैं ही थी। अपनी टॉय गन लेकर सारे गूंज को भगा देती और मुझे बचा देते थे। मैंने सब टेररिस्ट को खत्म कर दिया, अब मुल्क को कोई खतरा नहीं। आप लोगों को शायद पता नहीं है, बचपन की वो गेम अब तक चल रही है। जहां बना खान नहीं, जहां बना जेम्स बॉन्ड है। नहीं हुआ हूं मेरा, बस आप किसी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा। कुछ नहीं हुआ, इतनी चोट लगी, खून बह रहा। मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। मेरा डॉक्टर आएगा, घर में सबको पता चल जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन जो घर में हो रहा है वो भी खराब हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बाइक से गिर गया था ना, एक तो रोज में ठीक हो जाऊंगा। पर आया किसी को कुछ नहीं बताएंगे आप, अब खास करके आप अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वरना वरना मेरी बाइकिंग बैन हो जाएगी। चलिए वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मेरा वादा कीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखो शायरी तो करता ही हूं, अब तो तखल्लुस यानी पेन नेम भी मिल गया हमें, अयान अहमद गायक। बहुत बुरे हैं, पर आप तो बहुत अच्छी है ना मेरा बेगम। अब चलिए, अब जाइए जाइए, मैं आता हूं। जाइए ना मेरा, अब किसी को आप इसका कुछ भी मत बताइएगा। भाईजान, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको पता है जीजू ना 500 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं, अब चलिए। चलिए, इतना छोटा सा काम था, अभी तक नहीं हुआ। सर उन्होंने कहा तो था कि हमारी साइट पर आज शाम तक 3 ट्रक सीमेंट पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंची तो नहीं ना। और सीमेंट वहां पहुंचा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। डिलीवरी आज रात को हो जानी चाहिए। ओके सर, मैं खुद कर दूं। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट रात लगती है, जरूर कोई बड़ी डिलीवरी होने वाली है, पता करना पड़ेगा। गए साले साहब, जान पहचान हो ना हो, अयान तो हुस्न देखता है और सलाम कर बैठता है। सलाम अलैकुम इमरान मियां। वालेकुम सलाम। अयान क्या हो गया? दर्द। दर्द? मेरी बहन विदा हो रही है तो दर्द नहीं होगा? अर्ज किया है, मैं आया तो खन की चूड़ी हिलने लगे झुमके, मैं आया तो खन की चूड़ी हिलने लगे झुमके, सारी दुनियादारी छोड़ के मारो थोड़े ठुमके। लेट द म्यूजिक बिगिन। राइट।
भाईजान, भाईजान क्या हुआ आपको? भाईजान बोलिए ना, भाईजान मुझे। अयान, भाईजान क्या हुआ?